आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। निजाम शाही की अंतिम विदाई की तैयारी यहां से प्रारंभ होती है, अपने परिवार की और MIM की। उन्हें चिंता है अपने परिवार की और MIM की, यहां की जनता की चिंता नहीं है। और भाइयों बहनों, MIM की कार्य पद्धति किसी से छुपी भी नहीं। और जब शपथ लेने के लिए गया तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं लूंगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान का खाओगे, लेकिन हिंदुस्तान का गाओगे नहीं। MIM के लिए तो दो भाई के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते, हमेशा उल्टा ही बोलेंगे। बाकी के हमारे छोटे साले भाई बड़े साले भाई के टेंशन मत लो, उनको हम हैं, हम देख लेंगे, बस आप अपना बूथ देखिए भाइयों। अरे ये वही ओवैसी है जो कहता था कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, ये वही ओवैसी है। अरे जिस दिन भी भाग्यनगर में, जिस दिन भी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यही ओवैसी भगवा पकड़ के बोलेगा जय श्री राम, यही ओवैसी बोलेगा। क्योंकि ये वो नस्ल के है ये लोग, जो मुख्यमंत्री बनता है उसके पैर पकड़ना इनकी फितरत में है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना उसके पैर इन्होंने पकड़ा, TDP का मुख्यमंत्री बना उसके पैर इन्होंने पकड़ा, आज KCR यानी TRS का मुख्यमंत्री है तो उसके पैर पकड़ लिए लोग। इनका उद्देश्य है सरकारी लैंडों को कब्जा करना, करोड़ों रुपए कमाना, मुसलमानों को धोखा देकर राजनीति करना और अपने परिवार को ताकतवर बनाना, यही इनका उद्देश्य है। ये मुसलमानों को समझने की आवश्यकता है। कब तक बेवकूफ बनकर रहोगे पुराने शहर के मुसलमानों, आज चेंज की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, समय कम है, बहुत सारे वक्ताएं हैं, बस यही कहूंगा आने वाले समय में कि आपके हाथ में है भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मजबूत करना। पुराने शहर को आप जीत लो, सारी दुनिया को हम जीत लेंगे। बस आपसे बस निवेदन है, बाकी के हमारे छोटे साले भाई बड़े साले भाई के टेंशन मत लो, उनको हम हैं, हम देख लेंगे, बस आप अपना बूथ देखिए। धन्यवाद, जय सियाराम। हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और Instagram पर फॉलो करें। और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।